गोवर्धन ना जी शिनाजी बाबा जो मूल आखू नाम छे गोवर्धनोद्धरण इमाथी टूको थईने नाम थयुं श्री गोवर्धन नाथ। ए नाम नानुं थयुं श्रीनाथजी अने केटलाय लोको खाली श्रीजी कहीने बोलावे छे। वालथी भावथी आपणे श्रीजी बाबा कहीए तो आ श्रीनाथजी ने श्री द्वारकानाथजी गिरिराजजीनी भीतर पधार्या कई रीते के छे। एक वार प्रभुए विचार कर्यो मारा भक्तो मारी सेवा करे छे पण मारा भक्तो मां एवुं शुं छे के जे मने पोताना वशमां करी ले छे। अरे हुं मारा भक्तो ने आधीन बनी अने एमनी पाछळ पाछळ दोड़ू छुं। माई मेरो साम लग्यो संग डोले जित जाओ तित आडोही आवे बिना बुलाये बोले। एवुं मारा भक्तो मां शुं छे के जेमनी पासे मारुं कंई चालतुं नथी। मारा कोई भक्त ने पूछीश ने ते मने नहीं बतावे पण हुं स्वयं भक्त बनीश तो ज मने खबर पड़शे के स्वामी ने कई रीते प्रसन्न कराए। अने ज्यां प्रभुना मन में विचार आव्यो स्वयं ठाकोरजीए मानो गिरिराजजीनु स्वरूप धारण करी लीधुं अने पोतानुं अलौकिक सामर्थ्य श्री गिरिराजजीमां पधराव्युं। एक स्वरूप श्री हरिदास वर्य ने बीजो स्वरूप स्वयं ठाकोरजी भगवत रूप। प्रभु कहवा लाग्या शैलोस्मी गिरिराजोस्मी हूँ ज गिरिराज छू। अने गिरिराज जी नु स्वरूप बनी ने स्वयं ठाकोरजी पोताना स्वरूपानंद नु मानो पान करवा लाग्या छे। एटले श्री गिरिराज जी हरिदास वर्य पण छे अने भगवत स्वरूपे सेव्य पण छे। मर्यादा मार्ग में जेम हनुमान जी नु स्वरूप छे ए रामदूत पण छे रामचंद्र जी ना सेवक पण छे अने भक्तो एमनी पूजा पण करे छे। पुष्टि मार्ग में श्री गिरिराज जी हरिदास वर्य छे प्रभुना दास में श्रेष्ठ छे अने स्वयं भगवत रूपे एमनी सेवा थाय छे। गोवर्धन लीला नो ए प्रसंग वारंवार आपणे श्रवण कर्यो छे। सहस्त्र भुजा धारण करीने ठाकोर जी अन्नकूट आरोग्या केवा लाग्या आन ओर हजी लावो गामनो नाम थयो आन्योर। प्रभुना हजार हस्त जोई सखियो केवा लागी प्रभु आटला हस्त आप क्यांथी लई आव्या। विचार्यू के एक वार अमे प्रभु ने विनंती करी हती कि प्रभु आप क्यारेक सखाओनी साथे खेलता हो तो सखीओने आपनो विप्रयोग थाय अने आप सखीओनी साथे खेलता हो तो सखाओने आपनो विप्रयोग थाय। प्रभु क्यारेक एवी लीला करो कि आपना सखा ने सखी बन्ने ने एक साथे सुख आपो। आपनो जमणो अंग आपना सखाओ छे अने वाम डाबू अंग आपनी सखीओ छे। प्रभु आप अमारा बधाना एक एक हस्त धारण करो अने अमारा द्वारा समर्पित सामग्री ने रोगो अने एमनो मनोरथ पूरो करवा माटे जमणी बाजू 500 हस्त सखाओना अने डाबी बाजू 500 हस्त सखीओना भावथी सहस्त्र भुजा धारण करी अने ठाकोरजी अन्नकूट आरोग्या छे। અને દરેક વ્રજવાસીઓને એવું લાગ્યું છે કે પોતાના દ્વારા ધરેલી સામગ્રી લઈને ઠાકોરજી સૌથી પહેલા આરોગ્યા છે। અને કહે છે ને સ્વામીજીના ચરણમાં જવનું ચિહ્ન છે એ જ માનો સ્વયં શ્રી ગિરિરાજજી છે। અને એટલા માટે તો ઠાકોરજીએ ગોવર્ધન ધારણ કર્યો વિચાર્યું કે સમગ્ર મારા વ્રજભક્તોને મારા સ્વામીજીના ચરણના છત્ર નીચે એકત્રિત કરું એટલે પ્રભુએ આ લીલા કરી। ઇન્દ્રએ આજ્ઞા કરી મુશળધાર વરસાદ થવા લાગી સાંબેલા જેવી ધારો વરસવા લાગી પ્રલય કાળમાં વરસતા સામર્થક મેઘ વરસે પવન ફૂંકાવા લાગ્યો બરફના કરા પડવા લાગ્યા। વ્રજવાસીઓએ પ્રભુને વિનંતી કરી જો ત્યારે પણ વ્રજવાસીઓએ અન્યાશ્રય કર્યો નથી
हे प्रभु आप अमारी रक्षा करो। इति उक्त्वा एकेन हस्तेन कृत्वा गोवर्धनाचलम ददार लीलाया कृष्ण छत्राकमेव बालक। नानकड़ो बालक रमत रमत में बिलाड़ी नो टोप उखाड़ी ले एम ठाकुर जी एक श्रीयस गिरिराज जी ने उचकी बीजा श्रीयस ना टचली आंगली ना नखना अग्रिम भाग पर धारण करी लीधो। बद्दाज ब्रजवासियों ने आज्ञा करी गोपी ग्वाल पशु पक्षी समग्र ब्रजना जीव गिरिराज जी ना छत्र नीचे आवी गया। सात दिवस सात रात प्रभु गोवर्धन धारण करियो छे। बीजा बे श्रीयस प्रकट कर्या बे श्रीयस थी मधुर वेणु निनाद कर्यो। एक श्रीयस में गोवर्धन धारण और एक श्रीयस में शंख धारण कर्यो। ए स्वरूप एटले श्री गोकुलनाथ जी नो स्वरूप जे गोवर्धन धारण लीला नो स्वरूप छे। तो श्रीनाथ जी ए गोवर्धनो धारण छे। अनी रीते ठाकुर जी व्रजवासीओना बद्दा मनोरथ पूरा कर्या। व्रजवासीओ ने रक्षण आप्यो आश्रय दृढ़ कर्यो। पछी 11 वर्ष 52 दिवस ठाकुर जी व्रज में लीला करी। मथुरा जवानो समय आव्यो अक्रूर जी लेवा पधार्या ने भगवाने विचार्यू हूँ व्रत छोड़ीने जईश ने मारा नंत बावा मारी मैया मारो विरह सहन नहीं करी शके। प्राचीन ग्रंथ में प्रसंग नो उल्लेख छे मारा वगर मारी मैया जीवित नहीं रही सके। अमारा गोपी मारा सखाओ मारी गायोना प्राण केवी रीते टकशे। ए समय मैया पासे प्रभु पधार्या। ज्यां मथुरा जवानी आज्ञा मांगी मैया विलाप करवा लागी हूँ मारा कन्हैया वगर जीवती केम रहीश। ठाकुर जी मैया ने पूछे मैया मैं आटला वर्षो अनेक लीलाओ करी तमने बधाने खूब सुख आप्यो। कहो तो खरा के मारी कई लीला मां तमने सौथी वधारे आसक्ति छे। मैया के मने तो बेटा तारी बधी लीलाओ प्रिय छे। तू गायो चारावी ने सांजे पाछो फरतो होए तो गोपियों साथे रास रमतो होए क्यारे ग्वाल बाल साथे खेलतो होए मने तो तारी बधी लीलाओ प्रिय छे। पण मने सौथी वधारे जो कोई आनंद आव्यो होय ने तो जे समय ते गिरिराज जी ने पोताना करो पर धारण करी अने बधा व्रजवासियों ने आश्रय आप्यो एमने रक्षण आप्यो ए तारू स्वरूप बेटा मने बहु प्रिय लाग्यो। ए तारा स्वरूप मां मने अति आसक्ति छे। अने मथुरा पधारता पहेला एज पोतानो स्वरूप ठाकुर जी स्वयं सिद्ध करी अने मैया ने पधरावी आप्यो। ज्यां सुधी नंदराय जी यशोदा जी भूतल पर रहा नहीं तो ठाकुर जी ना विरह में कोई पण गोपी ना प्राण न टकी सके। हां पण मथुरा जता पहेला एज पोतानो स्वरूप ठाकुर जी सिद्ध करीने नंद बाबा यशोदा जी ने आप्यो ने भूतल पर रहा त्यां सुधी एमनी सेवा करता रहा અને પ્રભુના સ્વરૂપનું સુખ માનતા રહ્યા એટલે તો એમના પ્રાણ ટકી શક્યા। અને ત્યાર પછી એ જ સ્વરૂપ શ્રી ગિરિરાજજીની કંદરામાં આવીને બિરાજી ગયો છે। અને બીજો પણ એક ઉલ્લેખ છે ભગવાનના પ્રાગટ્યનું વર્ણન ભાગવતજીમાં આવે છે આ બહુ ઓછા લોકોને ખબર છે। ભગવાન પ્રગટ થયા ત્યારે છત્રભૂત સ્વરૂપે तमद्भुतम बालकमं भुजेक्षणम चतुर्भुजम शंख चक्र गदा युधार्युधम श्री वत्स लक्ष्मम गलशोभित कौस्तुभम पीतांबरम सांद्र पयोद सौवगम। प्रभुना कमल समान नेत्रों से शंख चक्र गदा पद्मचार आयुधो धारण कर्या छे। कंठ में कौस्तुभ मणि शोभी रह्यो छे। जारे वसुदेव जी ठाकुर जी ने पधरावी ने गोकुल छोड़ी आव्या ने त्यारे एज पोतानो चत्रभुज स्वरूप ठाकुर जी वसुदेव ने देवकी जी ने सेवा माटे पधरावी आप्यो। ए पण बिराजा त्यां सुधी स्वरूप नी सेवा करी
અને એમના ભૂતલ ત્યાગ પછી દ્વારકા નગરીને ડૂબાડતા પહેલા ભગવાને ગુરુ બૃહસ્પતિ અને પવન એટલે વાયુદેવને આજ્ઞા કરી કે તમે વાયુ માર્ગે મારા આ જ સ્વરૂપને ભારતના કેરળ પ્રાંતમાં જઈને પધરાઈ આવો. એ સ્થાન એટલે ગુરુ વાયુર, ગુરુ અને વાયુ બંને સ્વરૂપને ચતુર્ભુજ, આખા વિશ્વમાં બાલ લીલાનું ચતુર્ભુજ સ્વરૂપ એક જ સ્થાન પર બિરાજે છે ગુરુ વાયુરમાં, જે મધ્વ સંપ્રદાયના અનુયાયીઓ જેની સેવા કરે છે. અને આ ગોવર્ધન લીલાનું સ્વરૂપ ઠાકોરજીએ સ્વયં સિદ્ધ કરી નંદરાયજી યશોદાજીને પધરાવ્યું, ભૂતલ પર બિરાજ્યા ત્યાં સુધી સેવા કરી અને પછી એ જ સ્વરૂપ ગિરિરાજજીની કંદરામાં બિરાજ્યું છે.